संकल्प देवादिदेव महादेव पूरा करेंगे, वो शंकर अविनाशी पूरा करेंगे, वो देवताओं के देवता बोले बाबा पूरा करेंगे। तुम तो बस अपने भजन में मन लगा, जितनी देर यहां बैठना मन में ओम नमः शिवाय जरूर कहते रहे। शिव जी कहते हैं शिव पुराण में नारद जी का श्राप और शिवगणों का दूसरा जन्म लेना, इस गाथा में आपने रघु का पूरा कुल सुना। सीता हरण के बाद भगवान राम के जीवन में एक नया मोड़ आया और एक ऐसा व्यक्ति मिला, एक ऐसा साथी, एक ऐसा इंसान जीवन में मिला जिसके प्रताप से दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का पद प्राप्त कर सके। ध्यान से सुनिएगा, जीवन में हनुमान चाहिए। क्या चाहिए? जीवन में हनुमान चाहिए। हनुमान क्यों चाहिए? क्योंकि हनुमान को अपनी किसी भी प्रकार की किसी प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं। जीवन में हनुमान इसलिए चाहिए कि हनुमान को अपनी प्रतिष्ठा, अपना पद, अपना यश और अपना मान किसी भी तरह से नहीं चाहिए। जीवन में हनुमान इसलिए चाहिए क्योंकि हनुमान को अपने जीवन में राम चाहिए, इसलिए आपके जीवन में हनुमान चाहिए। भक्तिवेदांत सूक्त के आधार पर शिव महापुराण कहती है कि बाबा शंकर द्वांसा अवतारी है हनुमान के, जरा भक्ति देखना, अगर महादेव को आपसे प्रेम हो जाए तो वो कुछ भी बनते हैं तुम्हारे लिए। विष्णु को ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भगवत्ता का दर्शन होगा, हाँ तुम्हें भगवान बनने का आशीष दे रहा हूं, और जैसे राम बनकर पहुंचे आप स्वयं जाकर द्वादशा अवतार बनकर हनुमान बनकर पहुंचे, और हनुमान ने पूरा का पूरा प्रयत्न लगाकर राम को भगवत्ता का स्थान प्राप्त कराया कि देवादिदेव महादेव की कृपा थी। महादेव जिस पर रीझ जाए उसे क्या न दे दे इसका कोई सानी नहीं है। जो महापुराण में कहा जाता है महापुर संजय जो तुम मंत्र बोलते हुए ऋषि थे, दो मिनट में समझ जाए क्या? आपकी सुनूंगी कथाएं सर। एक संत के घर संतान नहीं हो रही थी, बाबा के बड़े भक्त थे, बाबा के चरणों में खूब मन
मनन करते, चिंतन करते, खूब पूजन करते, खूब अनुष्ठान करते, खूब यज्ञ करते, एक दिन किसी ऋषि के द्वारा, पहले लोग किसी भी लोक में जाया करते थे, पहले के समय में कोई भी इंसान किसी भी लोक में जा सकता था, सतयुग द्वापर इत्यादि में। नारद जी के साथ में वो संत देवादिदेव महादेव के चरणों में पहुंचे, बोले बाबा मेरे संतान नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में संतान लिखी नहीं। बाबा आपके चरणों में आया हूं, नहीं लिखी है तो भी चाहिए।